हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सऊदी से हमारे पास एक वीजा आया हुआ है जिसमें 10 कैंडिडेट की जरूरत है, तो वो किस काम का है और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने लैबी पे और अपने बता रहा हूँ सऊदी का जो हमारे पास वीजा आया हुआ है उसके डिटेल के बारे में, क्या है किस चीज़ का वीजा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सब मैं बता रहा हूँ आपको। तो सऊदी का जो वीजा आया हुआ है वो हमको हाईवे ड्राइवर का आया हुआ है। तो हाईवे ड्राइवर का मतलब दोस्तों जैसे आप इंडिया में बस ट्रक चलाते हो उसको हाईवे ड्राइवर बोला जाता है, तो वही काम का आया हुआ सऊदी का हाईवे ड्राइवर का आया हुआ है। और 10 घंटा टोटल ड्यूटी है, यानी सुबह आप 10 बजे जाओगे तो रात को 8 बजे तक आओगे। इसमें एज मांगना है आपका 35 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक, यानी 35 साल से लेके 45 साल के साल तक चाहिए। और इसमें कतरी लाइसेंस एक्सेप्ट है, और अगर आप सऊदी से भी रिटर्न हो तो सऊदी लाइसेंस भी एक्सेप्ट है, गल्फ में कहीं का भी लाइसेंस हो एक्सेप्ट हो गया है। और इसमें खाना लगता सब कंपनी देगी, कपड़ा लगता भी, आने जाने का खर्चा भी वो कंपनी देगी, टिकट वगैरह सब देगी। और इसमें सैलरी आपका 2000 रुपया सैलरी है वहाँ का, तो आप इंडियन में कन्वर्ट करके आप देख सकते हो कितना बन रहा है। और वही आपका नेक्स्ट आप हम बात करते हैं नए लोगों के लिए। तो नए लोगों का भी हाईवे ड्राइवर का आया है, तो सब सेम वही है आपका, ड्यूटी भी है वही, खाना पीना सब वही कंपनी देगी, बस सैलरी जो है 2000 रुपये मिल जाता है रिटर्न वाले का। ये नए वाले लोगों के लिए 1500 रुपया सैलरी है और एज 25 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक, यानी 25 साल से लेके 45 साल के अंदर का होना चाहिए। और इंडियन लाइसेंस भी एक्सेप्ट है और सब सेम है। और दोनों आपका दोनों वीजा का कॉस्ट आपका 75,000 पड़ेगा, यानी 75,000 रुपये पड़ेगा नए वाले लोगों के लिए भी, और पुराने जो ओल्ड हैं रिटर्न है उनके लिए भी 75,000 रुपये का पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं जो भी डिटेल था मैं सब आपको बता दिया हूँ। अगर आप लोग को और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट करके जानकारी ले लीजिएगा, या मुझसे कॉन्टेक्ट करके या हमारे ऑफिस में विजिट करके मुझसे जानकारी ले लीजिएगा। अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, अब और कुछ बताने के लिए है नहीं। तो दोस्तों हाई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी भी समझ में आ गया होगा। अगर जो भी जानकारी और चाहिए आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में और जानकारी ले सकते हैं। अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।